द थर्ड लेवल। और इस स्टोरी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्ली, अपने साइकेट्रिक दोस्त को बताता है जिसका नाम सैम विनर होता है, उसको बताता है कि यूं तो हमारे जो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके दो ही लेवल है, लेकिन मैं इसके थर्ड लेवल पे भी जा चुका हूं। तो इसका दोस्त कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और तुम ये सब रियलिटी से बचने के लिए बोल रहे हो क्योंकि रियलिटी में बहुत ज़्यादा वॉर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और तुम स्टैम्प कलेक्शन भी इसीलिए करते हो ताकि तुम इन सब चीज़ों से बच सको। लेकिन वो हमारा जो चार्ली इन सब चीज़ों से डिनाई करता है, और वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर भी ये स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उस जमाने में तो ये वॉर होते नहीं थे। फिर वो बताता है कि कैसे वो थर्ड लेवल पे गया। वो बताता है कि एक दिन ऑफिस से आने में उसे देर हो गई थी, तो उसने बस की जगह ट्रेन पकड़ने की सोची। फिर वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल स्टेशन के सेकंड लेवल पे गया, उसके बाद वहां जाने के बाद वो खो गया। लेकिन ये खोना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि काफ़ी बार वो वहाँ पे खो चुका था और काफ़ी बार निकल चुका था। लेकिन इस बार क्या होता है, वो आगे बढ़ता जाता है तो एकदम ही से उसको दिखता है कि लाइट डिम हो गई है और जो टिकट काउंटर है वो छोटा हो चुका है। उसको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। कुछ दूर आगे वो चलता है, वो देखता है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो फिर उनके ड्रेसिंग सेंस को वो नोटिस करता है और देखता है कि उन्होंने पुराने ज़माने जैसे 80s 90s के कपड़े पहने हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी हैं। और फिर वो जाके कुछ दूर पे न्यूज़पेपर रखा होता है, जहाँ पे वो पढ़ता है न्यूज़पेपर का नाम, जिसमें लिखा होता है द वर्ल्ड। अब उसे याद आता है कि ये तो बहुत पहले न्यूज़पेपर चलता था, जो कि काफ़ी समय पहले बंद हो चुका है। और अब वो लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पे डेट देखता है न्यूज़पेपर के ऊपर, तो लिखी होती है June 11, 1894। अब उसे रियलाइज़ होता है और पता चलता है कि ये जो है, मैं पास्ट में टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ और मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ। तो फिर उसको ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो पुराना वाला वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा पीसफुल नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और यहाँ पे मज़ा आएगा। और वो सोचता है कि गेल्सबर्ग के लिए मैं दो टिकट लेता हूँ, अपने और अपने वाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ गेल्सबर्ग में उसकी ग्रैंडफादर के साथ उसने अपना बचपन निभाया था, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, हाउसेज हैं, लॉन्स हैं। और वो टिकट काउंटर पे जाता है तो उसको पता चलता है कि भैया हमारे पास तो पुराने ज़माने वाली करेंसी ही नहीं होती है। तो वो बाहर जाता है और करेंसी को बैंक से एक्सचेंज करा के लाता है, लेकिन जब वो वहाँ पे फिर से आता है तो थर्ड लेवल होता ही नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा ढूंढता है और उसको वो मिलता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और स्टैम्प कलेक्शन करना फिर से स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब जो हमारा चार्ली है, उसको एक प्रूफ मिल चुका है कि थर्ड लेवल है। वो हर वीकेंड अपनी वाइफ के साथ थर्ड लेवल ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब वो प्रूफ क्या है, तो कुछ ऐसा है, उसका जो साइकेट्रिक फ्रेंड था सैम विनर, वो अब गायब हो चुका है। इसके बाद एक दिन हमारा जो चार्ली है, वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन में से कुछ ढूंढ रहा होता है, तो उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, जो कि उसके दादाजी के घर पे 1894 जुलाई 18 को आया हुआ होता है। उसके अंदर एक नोट होता है जो कि चार्ली के लिए होता है और जो सैम विनर ने लिखा होता है। जी हाँ, अब उस नोट के अंदर क्या लिखा होता है, हाय चार्ली, मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है और मैं यहीं पर सेटल हो चुका हूँ और मैं गेल्सबर्ग में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। तुम और तुम्हारी वाइफ लूजिया, थर्ड लेवल ढूंढना बंद मत करना, इसको ढूंढते रहना, ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है और मैं यहाँ पे सेटल हो चुका हूँ। और नेक्स्ट डे चार्ली को पता चलता है कि उसके फ्रेंड सैम विनर ने भी बैंक से पैसे एक्सचेंज किए थे पुरानी करेंसी में, और वो वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है।